नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जिसमें आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों को। एक होगी हुंडई वेन्यू और दूसरी होगी महिंद्रा की एक्सयूवी 300। इन दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या फीचर दोनों में अलग अलग मिल जाते हैं आपको, क्या आपको ज़्यादा अच्छे से लेनी चाहिए, क्या ज़्यादा आप प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट ही प्रेफर कर रहे हैं तो आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, कौन सी आपको ज़्यादा पावर टॉर्क दे पाएगी, कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा फीचर्स दे पाएगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के आगे भी कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहें और आपको बताते रहें। दोनों ही गाड़ियों को हमने रखा है लगभग 12 लाख की रेंज में, या 13 लाख, 12.5 लाख, 13 लाख में जो दोनों गाड़ियां हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं ऑन रोड प्राइस लेकर के। अगर आप हुंडई की बात करें तो इसमें हमने लिया है SX ऑप्शनल डीजल वेरियंट, और हमने जो एक्सयूवी 300 में लिया है वो लिया है W8 टर्बो डीजल इंजन वाला वेरिएंट। तो बात करते हैं इंजन की। हुंडई वेन्यू में आप देखेंगे U2 CRDI डीजल इंजन इसमें लगा हुआ है, जिसका अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें 1.5 लीटर 1493 cc, 1493 cc का डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि आपको पावर जनरेट करके देता है 98 या 99 bhp की, लगभग 98 से 99 bhp की, और जो टॉर्क जनरेशन है इसका 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं अगर बात करें आप XUV 300 की, तो XUV 300 में जो इंजन लगा हुआ है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन लगा हुआ है, जिसका अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें 1497 cc का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसकी पावर जनरेशन जो है वो 115 bhp, और अगर आप टॉर्क देखेंगे 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, तो काफी ज्यादा बेटर ये निकल जाता है हुंडई वेन्यू के मुकाबले। बट जैसा ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है तो ऑब्वियसली इसको निकलना ही था आगे। दोनों ही गाड़ियां मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड पर काम करती है। माइलेज की अगर बात करें तो जहां पर आपको हुंडई वेन्यू में मिल जाता है लगभग 22 से 23 का माइलेज, वहीं पर आप देखेंगे कि एक्सयूवी 300 आपको लगभग देती है 20 से 21 का माइलेज, यानी कि 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको इसमें मिल जाता है। अगर गाड़ियों की फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको हुंडई वेन्यू में मिलता है 45 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं पर आप देखेंगे एक्सयूवी 300 में आपको मिलता है 42 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि काफी होता है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के लिए। अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स की, इसके स्टीयरिंग टाइप की। तो दोनों ही गाड़ियों में टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है आपको स्टीयरिंग के लिए, यानी कि आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक जो है सामने आपको मिलेंगे, फ्रंट में जो ब्रेक्स मिलेंगे डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, पीछे आप देखेंगे ड्रम ब्रेक्स दोनों ही गाड़ियों में लगे हुए हैं। अगर बात करें ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो ग्राउंड क्लीयरेंस जो आपको हुंडई वेन्यू में मिल जाता है 190 mm का, वही आप देखेंगे एक्सयूवी 300 में 180 mm का मिलता है। थोड़ा सा कम हो जाता है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से एक्सयूवी 300 में, बट आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑफ रोडिंग आप इजीली कर पाएंगे। बात करें अगर व्हील साइज की, तो दोनों ही गाड़ियों में जो व्हील है वो आपको 215/60/R16 के वेन्यू में मिल जाते हैं। सेम आपको साइज लगभग देखने के लिए मिलेगा एक्सयूवी 300 में भी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस ये किया गया है कि 215 जो है विड्थ तो सेम रखी गई है उनकी, 215/55 आपको जो है टायर की हाइट कम मिलेगी, उसकी जगह पर आपको जो है R17 का अलॉय व्हील मिल जाएगा। तो लगभग गाड़ियों के जो साइज है वो सेम रहेगा, बस आपको एक जगह पर अलॉय व्हील 16 की मिल रही है, एक जगह पर अलॉय व्हील आपको 17 का मिल जाता है। तो ज्यादा बेटर हो सकता है अगर आप 16 में देखें तो कुशनिंग ज्यादा मिलेगी आपको, आपको जो है धक्के जो है कम लगेंगे रोड पर। आप अगर इसमें देखें थोड़ा फ्लैट होगा टायर, लेकिन स्पीड ज्यादा अच्छे से गेन कर पाएगा, थोड़ा सा फर्क टायर की वजह से आ सकता है। अगर बात करें डायमेंशंस की, तो हाँ डायमेंशंस में लेंथ लगभग दोनों गाड़ियों की सेम होती है, 3995 mm की लेंथ हो जाती है। थोड़ी सी हाइट में और विड्थ में ज्यादा आगे निकल जाती है एक्सयूवी, जो ज्यादा आपको कंफर्ट प्रदान कर सकती है गाड़ी में बैठने पर। व्हील बेस जो है मेजर फैक्टर हो सकता है, व्हील बेस आपको कम मिलता है वेन्यू में, ये होता है 2500 mm का, जहां पर आप एक्सयूवी 300 में देखेंगे 2600 mm का व्हील बेस मिलता है, जिसकी वजह से लेग रूम आपको काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि पीछे वाली सीट जो होती है पीछे के टायर के ऊपर ही माउंट होती है लगभग, तो व्हील बेस बड़ा होने की वजह से आपको जो है लेग रूम भी काफी अच्छा मिल जाता है, काफी ज्यादा कंफर्ट आपको मिल जाएगा सीट्स पर। बूट स्पेस जो है, क्योंकि व्हील बेस बढ़ाया गया, लेंथ लगभग सेम थी, व्हील बेस थोड़ा बढ़ गया था, तो बूट स्पेस आपको वेन्यू में ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसका व्हील बेस थोड़ा कम था। तो बूट स्पेस यहाँ पर मिलता है आपको 350 लीटर का, वहीं अगर आप देखें एक्सयूवी 300 में तो 259 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, जो कि क्योंकि एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से काफी कम होता है। बट हाँ, आप सीट को जो है मोड़ कर, जैसे 60-40 स्प्लिट इनमें दिया हुआ है दोनों गाड़ियों में, तो स्प्लिट करके आप बूट स्पेस की का जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं। बात करें कंफर्ट की, तो दोनों ही गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज आपको मिल जाती है, फ्रंट पावर विंडो, रियर पावर विंडो आपको मिलती है, ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल आप इसमें कर सकते हैं। और फीचर देखें तो आपको म्यूजिक सिस्टम काफी अच्छा मिल जाता है, टच स्क्रीन सिस्टम आपको मिलते हैं, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी इनमें होती है,
स्पीकर आपको चार गाड़ी में मिल जाते हैं, तो स्पीकर से आप गाने सुन सकते हैं या फिर आप वीडियो प्लेबैक करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे अगर गाड़ी खड़ी है उस स्थिति में। एक चीज जो एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है XUV300 में वो है आपको ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल में दो जोन मिल जाते हैं, मतलब आप अगर चाहें तो ड्राइवर साइड पर अलग टेम्परेचर पर रह सकते हैं, पैसेंजर साइड में आप अलग टेम्परेचर रख सकते हैं। ये काफी अच्छा फीचर जो है XUV में दिया जाता है। महिंद्रा की लगभग सारी गाड़ियों में, कुछ गाड़ियां ऐसे XUV500 में भी फीचर अवेलेबल है कि दो अलग अलग जोन में आप टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। वहीं अगर देखें वेन्यू गाड़ी, तो इसमें आपको रिमोट ट्रंक ओपनर मिल जाता है, तो आप रिमोट से इसे ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको XUV में नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली जाकर के बटन प्रेस करके उसको खोलना पड़ता है। दोनों ही गाड़ियों में लो फ्यूल वार्निंग लाइट आपको मिल जाती है, तो जैसे आपका पेट्रोल कम होता है आपको वार्निंग मिल जाती है, ट्रंक में आपको लाइट मिल जाता है यानी कि बूट स्पेस में आपको लाइट मिल जाता है। वैनिटी मिरर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। इसके अलावा जो है हेडरेस्ट आपको जो मिलते हैं रियर सीट पर हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके हाइट के हिसाब से इनको। दोनों ही गाड़ियों में रियर सीट में सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिलता है, तो अगर आप चार लोग बैठते हैं गाड़ी में तो काफी इससे कंफर्टेबली आप वहां पर हेडरेस्ट कर सकते हैं। एक चीज जो ज्यादा मिल रही है आपको वेन्यू में वो है कि रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, जो आपको नहीं मिल पाते हैं महिंद्रा XUV में। वहां पर सिर्फ और सिर्फ सामने के जो है आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, बट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जो गाड़ी को ठंडा करने के लिए काफी होते हैं उस समय। साथ ही सीट लंबा सपोर्ट आपको मिल जाता है वेन्यू में, जो कि आपके थाइस को भी सपोर्ट प्रदान करता है। दोनों ही गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, क्रूज आप कर सकते हैं अच्छे से। अगर पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं रियर में दोनों ही गाड़ियों में, एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं XUV300 में, वहां पर आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको स्क्रीन मिल जाती है काफी अच्छी, तो आपको नेविगेशन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होता, नेविगेशन सिस्टम दोनों गाड़ियों में अवेलेबल होता है, आप नेविगेट कर सकते हैं जहां भी आप जाना चाहते हैं, रास्ते को आप चेक कर सकते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको स्मार्ट की मिलती है, आप एक्सेस कर सकते हैं, अंदर जाकर आपको बटन दबानी होती है, बटन प्रेस करके आप चालू कर सकते हैं गाड़ी के इग्निशन को। एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है वेन्यू में वो है ग्लव बॉक्स कूलिंग, ग्लव बॉक्स कूलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहां पर आप अपने बीवरेजेस या फिर आप रखना चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक या फिर आप रखना चाहते हैं दवाइयां, तो वहां पर आप रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेफ्टी की, तो आपको दोनों ही गाड़ियों में ABS यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट भी मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है, दोनों ही गाड़ियों में चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिल जाती है, ऐसे काफी सारे फीचर जैसे कॉर्नरिंग फंक्शन, ये एक वेन्यू में एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है आपको, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ हेडलैम्प्स मिलते हैं, तो जब भी आप कॉर्नर कर रहे हैं गाड़ी को या फिर टर्न ले रहे हैं गाड़ी में रात के समय में, तो एक्स्ट्रा जो है आपको लाइट एक्स्ट्रा एरिया जो है आपको देखने के लिए मिलता है, ताकि कोई अगर आप जंगल में जाते हैं या फिर कभी जंगली एरिया में आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम्स कम होती है आपको, आप देख सकते हैं कोई पशु पक्षी आ तो नहीं रहा है भाई रोड पर। एंटी थेफ्ट अलार्म दोनों ही गाड़ी में मौजूद है। अगर बात करें एयरबैग्स की, जो कि सेफ्टी के लिए ज्यादा मायने रखते हैं, तो एयरबैग जो है आपको वेन्यू में मिलते हैं 6, और वहीं अगर इसी वेरिएंट में की बात करें तो XUV300 में आपको मिलते हैं 7 एयरबैग। एक एक्स्ट्रा एयरबैग आपको नी के लिए मिल जाता है, जो कि ड्राइवर साइड में होता है उसके घुटनों के पास, जो काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है अगर कहीं कोलिजन होता है तो। दोनों गाड़ियों में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, ताकि आप गाड़ी में बैठे बैठे ही टायर के प्रेशर को मॉनिटर कर सकें, गाड़ी के प्रेशर जो है आप चेक कर सकें, तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं होती फ्यूल पंप पे या पेट्रोल पंप पर कि आप बार बार चेक करवा रहे हैं कि कितना प्रेशर है, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी टायर में कम हवा है, तो आप गाड़ी में बैठे बैठे ही मॉनिटर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दोनों ही गाड़ियों में मौजूद है। अगर आप देखेंगे रियर कैमरा भी गाड़ी में दिया गया है, पार्किंग आप करना चाहते हैं पार्किंग कैमरा गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, तो काफी ज्यादा सेफ्टी के लिए भी अच्छा हो जाता है, और आपकी गाड़ी की भी सेफ्टी हो जाती है, इसी कहीं पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे अगर आप देखते हुए चला रहे हैं। दोनों ही गाड़ियों में आइसोफिक्स एंकरेज पॉइंट्स दिए गए हैं, ताकि आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो वहां पर आप उसकी सीट एंकर कर सकते हैं। जैसा कि ये गाड़ी हम कॉम्पैक्ट सेगमेंट में इनका कंपैरिजन करें, तो दोनों ही गाड़ियों में हिल असिस्ट मौजूद होता है, अगर आप गाड़ी कहीं हिली एरिया में लेकर जाते हैं तो काफी ज्यादा आपको इससे मदद मिल जाती है। तो ये था दोस्तों दोनों गाड़ियों के बीच में Hyundai Venue और XUV300 महिंद्रा XUV300 के बीच में कंपैरिजन। तो आई होप आप चूज कर पाएंगे कौन सी गाड़ी ज्यादा आपके लिए सुटेबल होगी, जिस कंडीशन में आप चलाना चाहते हैं। अगर आप पावर ज्यादा देख रहे हैं, पावर ज्यादा चलाना चाहते हैं, तो आपको XUV300 जो है बेटर परफॉर्म कर रही है यहाँ पर इंजन के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। वहीं पर आप अगर देखें कि आपको फीचर्स कौन सी गाड़ी ज्यादा रही, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको वेन्यू जो है काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराती है। तो ये था कंपैरिजन, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, आगे भी इस प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।